हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं प्रेम सागर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी के M30 के मिलने वाले एंड्रॉयड 10 बेस पर OneUI 2.0 बीटा के अपडेट्स की पूरी जानकारी देने वाले हैं और उसके मिलने वाले नए फीचर्स और उसकी फाइल साइज के पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और सबसे उसमें बताया दिया गया था कि सैमसंग गैलेक्सी M30 के जो है अपडेट्स दोस्तों एंड्रॉयड 10 बेस पर मिलने वाला OneUI 2.0 बीटा का अपडेट जनवरी महीने में दिया जाएगा। क्या बात है दोस्तों, इससे पहले ही जनवरी से पहले ही सैमसंग अपने M30 को सबसे उससे पहले ही वक्त से पहले उसे अपडेट्स दे रहा है। आज की वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली गैलेक्सी M30 से लेकर। तो दोस्तों, आप गैलेक्सी M30 के यूजर्स हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके फोन से ही रिलेटेड लगातार अपडेट्स की वीडियो लेकर आते रहता हूं। चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर सैमसंग गैलेक्सी M30 की यूजर्स हो, नहीं हो तो उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो गैलेक्सी M30 को यूज करते हैं। दोस्तों, गैलेक्सी M30 को दोस्तों इसी वर्ष लॉन्च किया गया था। उसे लॉन्च दोस्तों जब किया गया था उसे एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर इसे लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इसी साल सैमसंग ने अपने गैलेक्सी M30 को भी एंड्रॉयड पाई का अपडेट दिया था 2-3 महीना पहले। उसके बाद दोस्तों अब इसे एंड्रॉयड 10 का अपडेट देने जा रहा है, जो दोस्तों अभी मौजूदा समय में इसे रोल आउट कर दिया गया। इसी एंड्रॉयड 10 अपडेट के साथ आपको OneUI 2.0 बीटा का अपडेट्स भी जारी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, कुछ दिन पहले सैमसंग ने अपने एक रोड मैप निकाला था। उस रोड मैप के अनुसार सैमसंग गैलेक्सी अपने M30 को और दोस्तों इसे M20 को इसे जनवरी महीने 2020 में इसे अपडेट्स देना था एंड्रॉयड 10 बेस पर OneUI 2.0 बीटा का। उसे दोस्तों सैमसंग हमेशा अपना वक्त के बदलते रहता है, कभी दोस्तों वक्त से पहले के तो कभी कभी दोस्तों वक्त के बाद ही बहुत ज्यादा समय ले लेता है अपडेट्स देने में। ऐसे कई डिवाइस हैं इसको अपडेट देने में बहुत समय दे रहा है। ऐसे में दोस्तों सैमसंग अपने M30 के साथ ऐसा रिस्क नहीं ले रहा है, क्योंकि दोस्तों सैमसंग का सबसे जो कह सकते हैं आसूस के और सोमी के जैसे डिवाइस को टक्कर देने के लिए दोस्तों सैमसंग ने अपने इसी इसके दम पर टक्कर दी थी। इस वजह से सैमसंग अपने गैलेक्सी M30 के साथ इस तरह रिस्क नहीं लेना चाहता। दोस्तों, इसी वजह से दोस्तों सैमसंग ने अपने गैलेक्सी M30 को वक्त से पहले यानी दिसंबर महीने में ही उसे एंड्रॉयड 10 बेस पर OneUI 2.0 का अपडेट देने लगा। इसकी बात करें दोस्तों फाइल साइज की, दोस्तों 1.2 GB की फाइल साइज यानी कि दोस्तों 1 GB से ऊपर इसकी फाइल साइज दी गई इसे अपडेट्स करने की। वही दोस्तों इसमें दिसंबर महीने का न्यू सिक्योरिटी पैच दे दिया जा रहा है। वही दोस्तों सिस्टम डार्क वॉइड मोड जैसे सिस्टम बहुत से थेम्स और बहुत से ऐसे सिस्टम जोड़ रहा है दोस्तों, जो बहुत ही आपके लिए बहुत कहने फोन को यूज करने में बहुत ही स्मूथली और कर सकते हैं बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों, आप लोग बताइए गैलेक्सी M30 में अभी तक आप लोग किसको ये अपडेट्स जारी कर दिया गया, किसको ये अपडेट्स मिल चुका है। और दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करके ये भी बताइएगा किसको अभी तक अपडेट्स नहीं मिला है। वैसे दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये अपडेट्स जो है OTO के थ्रू अपडेट्स किया गया, यानी कि दोस्तों किसी को एक साथ सभी को एक साथ रोल आउट नहीं किया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस सैमसंग गैलेक्सी M30 से रिलेटेड सारे बातें अच्छी तरह समझ में आ गया। अभी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन इससे क्या फीचर्स है, इससे क्या दोस्तों कब क्यों दिया पहले अपडेट्स और दोस्तों कब तक में आपको सभी को भी अपडेट्स मिल जाएगा, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। अभी कोई दिक्कत इससे भी होगा तो दोस्तों कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर किया। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अभी तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।